हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे एग्जांपल नंबर 9.13 और 9.14 ऑफ रे ऑप्टिक्स क्लास 12th। ठीक है, तो देखिए 9.13 क्वेश्चन। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर। एक स्मॉल टेलीस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ है 144 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं FO से। सो FO इज 144 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। इसी टेलीस्कोप में एक आईपीस है जिसकी फोकल लेंथ हमें दी है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप? तो हमें इसमें एक तो मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है, दैट इज एम, और दूसरा हमें यहां पर व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड एन आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच का सेपरेशन दूरी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मैग्नीफाइंग पावर से। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाय एफ ई, माइनस एफ नॉट बाय एफ ई। सो एफ नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 144 सेंटीमीटर। सो माइनस 144 डिवाइडेड बाय एफ ई, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगी। 6 2 12 एंड इट इज 24, 6 4 24। सो माइनस 24 इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। अब यहां पर जो ये नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन आपको बताएगा कि जो आपकी फाइनल इमेज बनी है वो आपकी इन्वर्टेड है। द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड और 24 टाइम्स उसका साइज मैग्नीफाई हुआ है। ओके, नाउ इसके बाद हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, मतलब सेपरेशन निकालना है ऑब्जेक्टिव के बीच में और आईपीस के बीच में। तो ये देखिए ऐसा अरेंजमेंट हमारा होता है, ऑब्जेक्टिव का साइज, फोकल लेंथ और एपर्चर लार्ज होता है एज कंपेयर टू योर आईपीस। सो दिस इज योर एफ नॉट। सो सम ऑफ एफ नॉट एंड एफ ई, एफ नॉट और एफ ई का सम हम क्या करते हैं, इक्वल टू एल लेते हैं। सो एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, क्योंकि जो नॉर्मल विजन की सिचुएशन है उसमें एफ नॉट और एफ ई हम एक ही पॉइंट पे लाई कराते हैं। इसकी वजह से जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है दैट इज एफ ओ प्लस एफ ई। देयरफॉर एल इज इक्वल टू एफ ओ इज योर 144 एंड योर एफ ई इज 6 सेंटीमीटर। Now L is equal to 150 centimeter. So length of the telescope or the separation between the objective lens and the eyepiece is 150 centimeter. ये हुआ solution आपका example number 9.3 का। अब हम करेंगे example number 9.4। एग्जाम्पल नंबर 9.14। सो 9.14 में दो पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर ए, अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। सो इस केस में आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंथ है उस लेंस है उसकी फोकल लेंथ 15 मीटर गिवन है। If eyepiece of focal length 1 centimeter और eyepiece की focal length 1 centimeter given है, what is the angular magnification of the telescope? तो इसमें हमें दोबारा से magnification calculate करना है और magnification का formula हमारा वही है, minus f naught by f e. So f naught जो है वो meter में है और f e जो है वो centimeter में है, दोनों का unit same करेंगे। So हम क्या करते हैं, meter को centimeter में convert कर देते हैं। So, आपका जो एफ ओ है दैट इज 1500 सेंटीमीटर। नाउ अब मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 1500 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। नाउ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल एंड योर मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू माइनस 1500। और जो ये नेगेटिव साइन यहां पर आया है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो हमारी इन्वर्टेड बनेगी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9.14।
Now it is the turn to solve example number 9.14, second part, that is B part. So let us solve the B part. In B part, if this telescope is used to view the moon, अगर इसी टेलीस्कोप का यूज हम व्यू मतलब मून को देखने के लिए करें, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? तो जो मून की जो इमेज बनेगी उसका डायमीटर कितना होगा? तो देखिए, ये मान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव लेंस है टेलीस्कोप का और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है प्रिंसिपल एक्सिस. अब यहां पर मान लेते हैं दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट इज मून और इस मून का जो डायमीटर है वो हमने मान लिया कैपिटल डी. अब हमें पता है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और उसके जो ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है उसको हम ल्यूनार ऑर्बिट कहते हैं और उसका रेडियस क्या कहते हैं? ल्यूनार रेडियस. सो ल्यूनार ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज योर आर, इसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया. अब यहां पर देखिए इसकी इमेज कैसी बनेगी, इमेज आपकी इसकी यहां पर एफ ओ पे बनेगी, दिस पॉइंट इज एफ ओ, तो ये वाला जो डिस्टेंस हुआ दिस इज प्लस एफ ओ, ओके, एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ योर इमेज ऑफ मून. सो इस क्वेश्चन में हमें एच डैश कैलकुलेट करना है. अब यहां पर ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल सेम हो गए, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों ही हमेशा इक्वल होते हैं. ओके, नाउ इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दोनों में टेन एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. सो टेन एल्फा यहां पर क्या है इस ट्राइंगल में, tan alpha equal to tan alpha, vertical opposite angles are equal. Now tan alpha is equal to perpendicular by base, that is d by r. Tan alpha is equal to perpendicular by base, that is h dash by fo. हमें h dash की value find करनी है, so ये हो जाएगा students d by r into में fo, यही होगा. ये हमने multiply कर दिया cross multiply. अब देखिए diameter of moon आपको given है, कितनी value given है, डायमीटर ऑफ मून आपको दिया है 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6. सो एच डैश इज इक्वल टू 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ल्यूनार ऑर्बिट इज योर 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8. 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय एफओ और एफओ की वैल्यू हमें दी है 1500 सेंटीमीटर. बोलिए करेक्ट है, 1500 सेंटीमीटर. सो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये मीटर में है, अगर इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ल्यूनार ऑर्बिट को और डायमीटर ऑफ मून को तो वो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सो नो नीड टू डू दैट. अब इसमें ये आ गया हमारा 3.48 डिवाइडेड बाय 3.8 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 2 और वो दो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो कैंसिल हो गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. दोबारा बता देता हूं आपको, 10 की पावर 6 में से 10 की पावर 8 माइनस करेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 आएगा और वो 10 की पावर माइनस 2 से ये 1500 की जो दो जीरोस है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओके, नाउ डेसिमल हटा दीजिए, ये आ गया आपका 10 और ये आ गया 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इसको कैंसिल करिए आप, इट इज 2 के टेबल में 19 से कर दीजिए, 19 टू द 38 एंड 2 वन द 2, 2 सेवन द 14, 2 फोर द 8, क्लियर. नाउ इट इज योर 2 फाइव द 10 और यू कैन से 5 टू द 10, 5 थ्री द 15, सो 3 फोर द 12 और अभी इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 एट द 16, 2 सेवन द 14, 87, सो 3 सेवन द 21, 24 and 2, 26 divided by 19. So 261 by 19. अब इसको divide करिए, 261 by 19. 19 वन जा 19 और आपका 16 में से 9 गया 7, it is 1. Now 19 3 जा 57. 19 4 जा तो 76 होता है ना, 19 3 जा भी जाएगा. 19 3 जा 57, 11 minus 7, that is 4, 6 minus 1, 5. 6 minus 5, that is 1. Okay? 6 minus 5, that is 1. Now decimal, 0.
एंड इट इज 7, 7 9 इज 63, 7 एंड 6 13, 133. सो योर रिजल्ट इज 13.7. सो द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ मून इज 13.7. इज इट क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल. इसी प्रकार फिजिक्स लव चैनल से जुड़े रहें. #PhysicsLove